नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर, वायु गुणवत्ता बहुत खराब, श्रेणी में एक क्यूआई 450 के पार। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। रविवार सुबह राजधानी के वातावरण में धुंध की एक परत छाई नजर आई। अक्षरधाम मंदिर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 353 और आनंद विहार में 454 दर्ज किया गया, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। वहीं दिल्ली के नेहरू पार्क और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 254 दर्ज किया गया, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है। नोएडा शहर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। शनिवार को नोएडा NCR का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को 229 अंक, नोएडा गाजियाबाद के बाद तीसरे नंबर पर दर्ज हुआ। प्रदूषण पर लगाम लगाने के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में सड़क किनारे लगा मिट्टी का ढेर प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा है। जिम्मेदारों को ये ढेर नजर नहीं आ रहा है। निर्माणाधीन साइटों पर लाखों का जुर्माना भी प्रदूषण के स्तर को कम नहीं हो रहा है। ग्रेप के पहले चरण में हर दिन नोएडा का AQI ऑरेंज जोन में दर्ज हो रहा है। इस पर काबू करने के सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर रोज शहर में कई जगहों पर कचरे के ढेर में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। सामान्य से कई गुना तक अधिक शहर की हवा में धूल और धुएं का स्तर दर्ज हो रहा है। गाजियाबाद पाबंदियों के बाद भी हवा खराब श्रेणी में बरकरार। ग्रेप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण की पाबंदी लगने के बाद भी जिले में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बरकरार है। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 253 दर्ज किया गया। वहीं लोनी की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। लोगों को सांस लेने में, आंखों में जलन समेत विभिन्न परेशानियां होना शुरू हो गई है। अभी भी जगह जगह खुले में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। सड़कों पर धूल उड़ रही है। उम्र पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अवैध फैक्ट्रियां प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। संबंधित विभागों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। सभी अधिकारी अपना काम करने से बच रहे हैं। लोनी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। लोनी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। शुक्रवार को यहां का वायु AQI गंभीर श्रेणी 324 दर्ज किया गया था। शनिवार को 314 दर्ज किया गया। वहीं इंदिरापुरम, संजय नगर व वसुंधरा की हवा भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। अब जिले में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहाँ की हवा शुद्ध बची है। हॉटस्पॉट चिन्हित कार्रवाई कोई नहीं। जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें लोनी भी शामिल है। ये हॉटस्पॉट इसलिए चिन्हित किए गए थे कि यहाँ प्राथमिकता से कार्रवाई हो सके, लेकिन यहाँ भी किसी भी विभाग के अधिकारी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। सभी कागजों में योजना बना रहे हैं, धरातल पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।